उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा आईनी सूरत हाल के पेश नज़र लीगल टीम को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण वज़ीर आज़म को आईनी सूरत हाल पर मौजूदा केसेस के बारे में ब्रीफिंग देंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और मुआवन खसूसी वज़ीर आज़म मलिक अहमद खान लाहौर में वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह मॉल्टन पहुँच चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा आईनी सूरत हाल के पेश नज़र लीगल टीम को तलब कर लिया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब कासमी। ज़ुहैब कासमी बताएगा, लीगल टीम पहुँच चुकी है, बताया जा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज लीगल टीम जो है उसको तलब किया गया किया अपनी रिहाइशगाह पर। आज मंजूर जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म तारण है वो वज़ीर-ए-आज़म को आईनी सूरत हाल पर और मौजूदा केसेस के बारे में ब्रीफिंग देंगे। जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी मलिक अहमद खान और बशीर अरफान कादर भी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पहुंच चुके हैं। वफाकी वज़ीर जो है आज़म नज़ीर तारण वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पहुंचेंगे और ये आम मुलाकात जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जो है वो होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए ज़ुहैब कासमी।